तुम उसमें आते नहीं है, जन्नत मांगते रहते हो, जन्नत दी इधर मस्जिद जन्नत है, हदीस शरीफ में है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे सहाबा जब तुम्हारा गुजर जन्नत के बागों में से हो तो उसमें से कुछ मेवा खा लिया करो, परमिशन दे दी जरूर मालिक है, मैं तो मालिक ही कहूंगा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। देखो एक होता है हबीब और एक होता है शरीफ, जो मजा हबीब में है वो शरीफ है ही नहीं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि तुम शरीफ लाहौर वाला हो, अल्लाह का कोई शरीफ है ही नहीं। अच्छा शरीक मान के करेंगे क्या, एक तो ईमान की खराबी पड़ेगी, दूसरे फायदा क्या होगा, शरीक के माने पार्टनर, पार्टनरशिप में क्या होता है 50 तेरा 50 मेरा, 30 तेरा 70 मेरा, 60 मेरा 40 तेरा, ये पार्टनरशिप में मेरा तेरा, लेकिन जब हबीब मान लिया तो महबूब मैं भी तेरा मेरा सब कुछ तेरा। शरीक में नहीं है हबीब में है, इसीलिए मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब जड़ उसमें पुख्ता होनी चाहिए तब इस महफिलों का फायदा हमें जरूर मिलेगा, वैसे भी मिलता है लेकिन कुछ करना तो चाहिए ना, समथिंग यू हैव टू डू। एनीवे मैं इसका कह रहा था तो हुजूर अली सलाम की तस्वीर है या मेरे सहाबा जब तुम्हारा गुजर जन्नत की बागों में से हो तो वहां से कुछ खा लिया करो, कुछ फल खा लिया करो, कुछ मेवा खा लिया करो, सहाबा ने कहा हुजूर दुनिया में जन्नत के बाग कहां मिलेंगे, हुजूर ने दो चीजें फरमाई, एक जगह है कि मस्जिदें जन्नत के बाग हैं, क्या है मस्जिदें जन्नत के बाग, दूसरी जगह फरमाया कि अल्लाह का जिक्र जमा हो वो जिक्र की हल्के जन्नत का बाग, अब आप चाहो तो मस्जिद में यहाँ आके बैठो और नमाज पढ़ने के बाद फिर घर गए घर में जिक्र करो घर भी जन्नत का बाग बन जाए, घर भी जन्नत का बाग, ये आप याद रखिए और जब भी मस्जिद में आओगे इसको पढ़ा, वैसा होगा कि बाद में आया फल खाया, ऐसे क्यों जाते हो भूखे होते हैं, चल खैर वैसे भी तो अल्लाह का जिक्र तो करते ही है, नमाज भी दिख रही है वाकई में सलात भी दिख रही और नमाज कायम करो मेरी याद के लिए तो भी दिख रहा है, मगर हुजूर ने चूंकि ये तस्बीह दी मुझे यानी बात अर्ज करता हूँ, तस्बीह तो सब तस्बीह है मगर जिसको हुजूर अपनी तरफ से अता फरमा दे उसकी कदर ज्यादा होनी चाहिए, जैसे कभी हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा अज़्ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार सैयदत एक मरतबा गई थी कुछ फातिमा मांगने के लिए तो कहा हुजूर बहुत थक जाती हूँ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा मैं तुमको ऐसी चीज दे दूँ तुम उस पर अमल करो तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी, कहा वो क्या है, फरमाया 33 बार सुभान अल्लाह 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ के सोया करो अल्लाह तुम्हारी पूरी थकान को दूर कर देगा, सुभान अल्लाह। अब ये हुजूर ने 33 34 तो उसको उतना ही कर दिया इस मकसद के, वजह मैं आपको बताऊँ, चाबियां तो सभी चाबियां मगर हर लॉक की चाबी में वो होते ना दांते होते हैं,
تانے جو ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں, تو ہر چابی سے ہر تالا